जय हिंद, गुड आफ्टरनून एवरीवन। डिफेंस गुरुजी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज एक नया टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखा। नाम सरल रेखा है लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। बट आज के बाद मेरा वादा है कि आपको इसमें दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। पहले तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन में जो कुछ आप पढ़ते हो 10th स्टैंडर्ड से स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके यहाँ शुरू हो जाती है और आप 11th में उसको पढ़ते हो। लेकिन जो मेन चीज है, केवल ये नहीं है कि एक टॉपिक है, इसका एप्लीकेशन, स्ट्रेट लाइन खुद में एक टॉपिक है, उसके बाद कॉनिक सेक्शन में भी इसका यूज आता है, उसके बाद आप कैलकुलस पढ़ते हैं, एओडी वगैरह, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हिंदी में कहते हैं अवकलन के अनुप्रयोग। इसके अलावा इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, वक्रों से घिरा क्षेत्रफल, वहां भी इसका यूज होता है। तो यदि ये टॉपिक आगे आप पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेट लाइन टॉपिक ढंग से आना चाहिए। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले बता देता हूं कि एयरफोर्स में इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? कम से कम 2। नेवी में बात करें तो वहां भी 1 से 2 क्वेश्चन, एक की तो गारंटी है, 1 से कितने 2। लेकिन यदि हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में बेटा 8 क्वेश्चन तक मैंने देखे हैं, 8 से 9 क्वेश्चन आप मान लो, 6 तो ऑन एन एवरेज सारे में आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 8-9 टॉपिक लिखा है। मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी हम आगे चलेंगे कि स्ट्रेट लाइन में टॉपिक होता क्या है। स्ट्रेट लाइन की शुरुआत होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहाँ पे हम 2D पढ़ रहे हैं, जहां पे आपके दो जो 4 हिस्सों में बढ़ जाता है प्लेन। यहाँ पे हम 2D पढ़ रहे हैं जिसमें प्लेन कितने हिस्सों में बढ़ जाता है? 4 हिस्सों में बढ़ जाता है और हर हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। आप जानते हो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पे एक्स और वाई दोनों को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वहां पे हम, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? पॉजिटिव है। तो मैं इस पे बहुत डीप नहीं जाऊंगा, मैं समझता हूं आप लोग इस बात को जानते हो। इधर आते हैं तो x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ये 2D है, 2D में द्विभिमीय ज्यामिति में आपका जो प्लेन है वो 4 हिस्सों में बंटता है। लेकिन जब 3D की बात करते हैं तो 8 हिस्से बनते हैं, ऑक्टेंट बनता है, 4 ऊपर 4 नीचे। ये क्या है? क्वाड्रेंट है। कैसे क्वाड्रेंट है? 4 ही है, क्वाड्रेंट का मतलब चौथाई हिस्सा। इसी के हिसाब से आप एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आप इसमें रखते हैं। लेकिन यदि आपने कहीं कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, सबसे पहली चीज आती है कि उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। मान लो आपने यहां पे दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए, एक ले लिया ये x1 y1 और दूसरा आपने ले लिया x2 y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? आप इसको यहां से यहां तक मिला देंगे, ये दोनों पॉइंट जब आप मिला देंगे तो जो आपको कंस्ट्रक्शन मिलता है उसी को आप सरल रेखा कहते हैं। यदि मैं इसे क्वाड्रेंट के हिसाब से देखूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और यदि आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना चाहें तो आप पाइथागोरस थ्योरम से बड़े प्यार से इसको निकाल सकते हैं। हालांकि मैं आपको सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला ही लिखवाऊंगा। यहाँ पे पॉइंट हमने क्या लिया है? x1 और y1। तो ये जो PQ है, ये डिस्टेंस है, ये किसके बराबर होगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चा कहता है सर x1 y1 किसको माने? आपकी इच्छा है, जो आपको पहले दिख जाए उसे आप x1 y1 मान लो, जो आपको बाद में दिख जाए उसे आप x2 y2 मान लो। हाँ, करना क्या है? डिफरेंस का स्क्वायर x1, आप ये x2 - x1 की जगह x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आई होप डिस्टेंस फार्मूला आपको क्लियर होगा। अब हम डिस्टेंस फार्मूला के बाद जाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? यदि हमें दो पॉइंट दिए हो, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, ये मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? यदि आपको दो पॉइंट दिए हैं, यहां पे दिया है x1 y1 और यहां पे दिया है आपको
एक्स टू वाई टू, तो इसका मिड पॉइंट हो। हमने क्या किया, इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी, और इसका जो मिड पॉइंट है उसको हमने ले लिया एम। ये एक्चुअल में तो इंटरनल सेक्शन, आंतरिक विभाजन है एक अनुपात एक में, क्योंकि इधर का हिस्सा इसके हिस्से के बराबर होता है। पर आपको हम डायरेक्टली इसको फॉर्मूले के तौर पर बता रहे हैं, दैट इज ये 1:1 में आएगा। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m के कोऑर्डिनेट्स, m के निर्देशांक होंगे x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2। किससे आया, आंतरिक विभाजन सूत्र से आया। अब आप कहेंगे सर ये आंतरिक विभाजन सूत्र क्या होता है, चलो आपको आंतरिक विभाजन सूत्र बताते हैं, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बिना कॉपी किताब के मत बैठना, कॉपी रखिए, पेन रखिए, एक एक फॉर्मूले को नोट करते जाइए। हो सकता है आपको ये फॉर्मूले आते हो, उसके बाद भी आपको इनको नोट करना चाहिए, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं हम, आंतरिक विभाजन सूत्र। यह आंतरिक विभाजन सूत्र क्या है, यदि अगेन हमारे पास दो पॉइंट है, एक है ए, एक है बी, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और ये m रेशियो n में बटे, कितने में, m रेशियो n। तो क्या होता है, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं p, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है इसका इधर और इसका इधर। यदि हम p के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, mx2 plus nx1, mx2 plus nx1 अपॉन में क्या आएगा, m plus n, और ऐसे ही y लेंगे तो ये my2 plus ny1, my2 plus ny1 अपॉन में क्या आएगा, m plus n आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला या आंतरिक विभाजन सूत्र। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पे भी, लेकिन ये पॉइंट कहां था, ए और बी के बीच में था, भीतर की तरफ था। यदि ये पॉइंट बाहर की तरफ हो तो जो हमें फॉर्मूला मिलता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, हिंदी में बाह्य विभाजन सूत्र। ये बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है, सपोज ये दो पॉइंट है आपके, एक है x1 y1 और दूसरा ये x2 y2, लेकिन जो पॉइंट इसको विभाजित कर रहा है वो a और b के बीच में नहीं है, ये a है ये b है, वो पॉइंट हो सकता है इसके बाहर इधर हो। मैंने कह दिया ये b से बाहर की तरफ t है, रेशियो हमारा सेम रहने वाला है, यहां से रेशियो कितना है m और यहां से रेशियो कितना है n। अच्छा आपको दिख रहा है a से जो p तक की वैल्यू है वो बड़ी है, मतलब इस केस में m n से बड़ा होगा, n कैसा है, छोटा है, ठीक है। तो यदि आपको 3:4 दिया है, 4:3 दिया है, तो आपको मान लो यहां पे दिया है कि 4:3 में डिवाइड कर रहा है, तो ये a से 4 रेशियो में है, b से 3 रेशियो में। यदि आपको दिया है 3:4 तो ये पॉइंट इधर नहीं होगा, क्योंकि b से कितना डिस्टेंस है, b से 4 है, इधर लोगे तो b से 4 नहीं होगा, किधर होगा, 4 इधर होगा, तब पॉइंट किधर ले लोगे, a से लेफ्ट में ले लोगे। मतलब याद क्या रखना है, जिससे रेशियो बड़ा है उससे दूर है, ये a से है या b से है, b से रेशियो कितना है 4, मतलब आपका पॉइंट क्या होगा, b से दूर होगा, दूर होगा मतलब इधर ले लेंगे, ठीक है। वैसे तो आप इस बात को ना भी समझे तो भी काम चल जाता है, पर कंसेप्चुअली ये बात क्लियर है तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। यहां पे p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m x2 minus nx1 upon में m minus n। क्या फर्क आया, जो हमने इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, यहां पे उसकी जगह क्या आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है, ठीक है। और सेम काम आप वाई में करेंगे, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन में एम माइनस एन, ठीक है। कई जगह एक्सटर्नल सेक्शन में ये माइनस में भी लिखा आ सकता है, तो -3:4 का मतलब यह है कि ये डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है, बाह्य विभाजन है, घबरा मत जाना, लेकिन उस जगह जब माइनस लगाएगा तो आपको बाह्य विभाजन
नहीं बोलेगा। ठीक है, आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। और अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूले पे, दैट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, यदि आपके पास तीन वर्टेक्स दिए हो तभी ट्राइंगल बनेगा, उससे पहले तो बनेगा नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि आपको कोई ट्राइंगल दिया है और उसके तीन वर्टेक्स दिए हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। इसका एरिया होगा, एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं लेना है, मॉडुलस हाफ ऑफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक चक्रीय तरीके से, वन टू थ्री टू थ्री वन थ्री वन टू, ठीक है, वन टू थ्री टू थ्री वन थ्री वन टू, इस फॉर्मेट में ले सकते हो। इसी फॉर्मूले को डिटरमिनेंट मेथड से भी लिखा जा सकता है। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, हाफ बाहर लगा दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ क्या करोगे, बाहर हाफ लगा रहेगा, y1, y2, y3 और 1, 1, 1, इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो मैंने यहां पे लिखवाया है। ठीक है, तो आपको डिटरमिनेंट आती है तो आप डिटरमिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं और अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया जीरो कब हो सकता है। इस ट्राइंगल का एरिया जीरो तब हो सकता है जब ये तीनों अलग अलग बिंदु ना हो, एक ही बिंदु हो। ठीक है, तो यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो है, यदि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू जीरो, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा हो, शून्य हो, तो तीनों बिंदु समरेख होंगे। तीनों बिंदु कैसे होंगे, तीनों बिंदु संरेख होंगे, ऑल थ्री पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। लेकिन कोलिनियर का एक और तरीका है, कोलिनियर का एक और तरीका क्या है कि यदि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के बराबर हो, कोई दो साइड्स ले लें, कोई भी दो साइड्स ले लें, क्योंकि ये ट्राइंगल हमारा बन रहा है ए बी सी, यदि कोई दो साइड का सम तीसरे के बराबर आ जाए, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये तीनों त्रिभुज ना बनाए बल्कि एक सीधी रेखा बनाए। लेकिन ना हम ये ट्राइंगल वाला संरेख के लिए यूज करेंगे ना ये वाला यूज करेंगे। हाँ मैंने आपको बता दिया है, तो फिर क्वेश्चन उठता है यूज क्या करेंगे। उसके लिए हमें एक नई संकल्पना देखनी पड़ेगी, एक नया फंडामेंटल चीज देखनी पड़ेगी जो हम पढ़ते हैं इलेवेंथ में आके, क्या कहते हैं उसको, स्लोप या प्रवणता, वेरी इंपॉर्टेंट। सारी दुनिया गोल आपको दिखाई देगी, यही प्रवणता जब ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट होगी तो m प्रवणता को हम tan थीटा कहेंगे, जब यही आप कैलकुलस में चले जाएंगे तो m का मान हो जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, तो चलो चलते हैं, समझते हैं कि क्या है ये प्रवणता। प्रवणता के लिए हम फिर से दो कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और उससे बना लेते हैं एक लाइन। ठीक है, ये हमारे पॉइंट है, ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है। ठीक है, इस लाइन की स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है बेटा x अक्ष के साथ रेखा के द्वारा बनाया गया कोण, कौन सी दिशा में, धनात्मक दिशा में। ठीक है, मैंने क्या किया, ये आपका x एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है, हमें क्या चाहिए, ये जो रेखा है वो x एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है। ठीक है, मैंने क्या किया, x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन मैंने खींच दी, जरा बताओ यहां पे x1 है तो यहां भी ये लाइन क्या रहेगी, x1 ही रहेगी, और पॉइंट यहां पे देखो, सॉरी यहां पे x1 है तो यहां पे कितना हो जाएगा x2,
एक्स के हिसाब से देखें तो यहाँ एक्स वन है तो कितना हो जाएगा एक्स टू, लेकिन वाई वन वाई वन ही रहेगा क्योंकि पूरे पे वाई एक्सिस नहीं बदल रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स टू वाई वन, ऊपर वाई टू है नीचे वाई वन है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी वाई टू माइनस वाई वन, और इसी तरीके से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन। यदि मुझे टेन थीटा निकालना है, क्या निकालना है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका एक मैं टेन थीटा निकालता, मैं इसका टेन थीटा निकालता तो टेन थीटा क्या आएगा बेटा, टेन थीटा आएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी टेन थीटा को हम कहते हैं स्लोप या प्रवणता, ठीक है। तो याद रखना है दिस इज द टेन थीटा टेंजेंट ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये जो प्रवणता या स्लोप है अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्लोप, ये क्या है टेंजेंट मेड बाय द लाइन, जो लाइन है एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में बना कोण, जहां थीटा क्या है थीटा रेखा द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेखा द्वारा एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में बना कोण, एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में बना कोण, थीटा इज एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। ट्रिग्नोमेट्री में भी जब आप एंगल लेंगे तो कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, जब आप यहां भी एंगल ले रहे होंगे तो कैसा लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसा होगा पॉजिटिव। तो बात समझ में आ गई कि ये जो m है वो कैसे मिलेगा y2 minus y1 upon x2 minus x1, इसको हम m is equal to tan theta से भी निकाल सकते हैं, बस अते कि हमें एंगल पता है जहां थीटा कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है x एक्सिस के साथ धनात्मक दिशा में बना कोण, हमने स्लोप सीख लिया। अब आप कहेंगे सर आप तो बताने वाले थे कि भाई हम स्लोप से कोलिनियरिटी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, थोड़ा सा धीरज रखिए अभी करा रहा हूं। इसके लिए यदि हमें दो रेखाओं की स्लोप पता हो, क्या पता हो दो रेखाओं की स्लोप, तो उनके बीच में कोण कैसे निकालते हैं, हम पहले सीखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच कोण। अब दो रेखाओं के बीच कोण कैसे निकालेंगे, मान लो ये आपका क्वाड्रेंट है और यहां पे दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इस लाइन की स्लोप है m1 और इस लाइन की स्लोप है m2, इन दोनों के बीच में दो कोण बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है और एक ये वाला कोण बन सकता है, यदि वो थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा। जब हम एंगल निकालते हैं तो हमेशा एक्यूट एंगल निकालते हैं, जो इनके बीच में एंगल है उसका टेन थीटा एम वन माइनस एम टू अपॉन में वन प्लस एम वन इंटू एम टू। अब यदि आप ध्यान दोगे तो ये टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले की तरह लिखा गया, टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू अपॉन में वन प्लस टेन थीटा वन टेन थीटा टू, ठीक है, जहां एम वन क्या होगा टेन थीटा वन, m2 क्या होगा tan theta 2, तो इन दोनों के बीच ये मॉडुलस लगाया है, क्या लगाया मापांक, क्यों लगाया ये मापांक, इसलिए लगाया है क्योंकि tan theta की वैल्यू हमेशा कैसी चाहिए मुझे पॉजिटिव चाहिए, क्यों चाहिए क्योंकि जो मैं एंगल निकालने वाला हूं वो एक्यूट एंगल है, वो न्यून कोण पर मुझे न्यून कोण है, समझ गए। तो जब भी इस फॉर्मूले से हम वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकलेगी एक्यूट एंगल न्यून कोण, लेकिन क्वेश्चन में कई बार पूछेगा कि अधिक कोण कितना होगा, तो जो आपका कोण आएगा उसको पाई से माइनस कर दोगे तो बचा हुआ कौन सा आ जाएगा अधिक कोण हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है।
जब हमें यह पता चल गया तो जरा बताओ यहां पे दो केस पॉसिबल है कि नहीं, ये थीटा जीरो होगा तो टेन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जब थीटा 90 हो तो टेन 90 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जब बेटे थीटा जीरो रखेंगे, ये पहला केस है, केस वन, जब थीटा जीरो तो टेन जीरो क्या होता है, जीरो। जब इसको जीरो रखोगे तो ये मॉडुलस एम वन माइनस एम टू अपॉन में वन प्लस एम वन एम टू होगा, ये जीरो रख दोगे, इसका मतलब ये है कि एम वन किसके बराबर आ गया, एम टू के। ये कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते थे कि भाई इसको जीरो कैसे कर सकते हैं जब न्यूमरेटर जीरो हो, न्यूमरेटर क्या है, एम वन माइनस एम टू, एम वन माइनस एम टू कब जीरो होगा, जब एम वन बराबर एम टू के होगा। अच्छा अब ये बताओ, दो लाइंस पैरेलल है, इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल क्या है, जीरो। आप इसी बात को यूं भी समझ सकते हो कि ये जो लाइन है, मैंने दो लाइन खींची, ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, या ये तीन पॉइंट में बोलूं, एक कहूं रेखा एबी और एक कहूं मैं रेखा बीसी, तो जो रेखा एबी और रेखा बीसी इनकी स्लोप बराबर होगी कि नहीं होगी, जब एक ही रेखा में तो होगी। तो जब भी ऐसे तीन या चार बिंदु बने और उनकी स्लोप कैसी है, उनकी प्रवणता कैसी है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वो बिंदु कैसे है, संरेख है। तो हम जब भी जहां भी जरूरत पड़ेगा हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, दूरी वाले सूत्र का यूज हम संरेख के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि जब दो रेखाएं पैरेलल, ये केस क्या है, जब रेखाएं समांतर, जब रेखाएं समांतर हो तो उनका स्लोप बराबर होगा, व्हेन लाइंस आर पैरेलल। जो दूसरा केस बनता है वो बनता है परपेंडिकुलर का, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब रेखाएं लंबवत, इसके लिए क्या करेंगे, आपका थीटा क्या होना चाहिए, पाई बाई टू, मतलब टेन थीटा क्या होना चाहिए, टेन पाई बाई टू, टेन नब्बे, और टेन नब्बे कितना होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब हम कह सकते हैं समथिंग अपॉन जीरो। यदि ये वन अपॉन जीरो है तो इसका मतलब यह है कि जो भी आपका फॉर्मूला था एम वन माइनस एम टू अपॉन में वन प्लस एम वन एम टू का फॉर्मूला है, इसका डिनोमिनेटर आपको जीरो करना पड़ेगा, इसका जो हर है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी रेखाएं कैसी होंगी, लंबवत होंगी। तो यहां पे हमें क्या करना है, इसको रख देंगे जीरो, किसको, इसका मतलब ये हो गया कि वन प्लस एम वन एम टू हो गया जीरो, इसका मतलब फिर यू लिख सकते हो कि एम वन एम टू किसके बराबर हो गया, माइनस वन के, या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो एम टू बराबर माइनस वन अपॉन एम वन। यदि एक की प्रवणता दूसरे की प्रवणता के साथ गुणा किया जाए तो माइनस वन आए, या एक की प्रवणता पता है तो दूसरे की जो स्लोप है उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके साइन बदल देंगे, आपको लंब रेखा की जो प्रवणता है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जब भी दो रेखाएं पैरेलल की बात की जाए तो उनकी स्लोप होनी चाहिए बराबर, और जब परपेंडिकुलर की बात की जाए तो एक की स्लोप दूसरे के रेसिप्रोकल विलोम का कैसा होगा, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और साइन को बदल देंगे। लेकिन अभी तक हम रेखाओं के सूत्र की तरफ नहीं गए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कुछ और फॉर्मूले पढ़ेंगे जहां पे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, सरल रेखा के समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा के समीकरण, करीब पांच इक्वेशन है जो आपको यूं के त्यों याद होने चाहिए। जब हम इन इक्वेशन को ले लेंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। पहला क्या है,
आपको एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, वन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, एक बिंदु प्रवणता सूत्र, एक बिंदु प्रवणता सूत्र। इसका मतलब क्या है, आपको कोई एक पॉइंट दिया हो, यह आपको कोई रेखा दी गई है, इस पे आपको पॉइंट दिया गया है x1 y1 और इसकी स्लोप दी गई हो m, इसकी प्रवणता क्या दी गई हो m, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जहां x1 y1 क्या बताया मैंने, पॉइंट बताया, और m क्या बता दिया मैंने, रेखा की प्रवणता बता दी। यदि कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो कम से कम दो चीजें आपको चाहिए चाहिए। यहां पे मैंने एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिए। ऐसा भी हो सकता है कि दो पॉइंट दियो, या दो पॉइंट दिए हो तो हम m को निकाल सकते हैं। दो पॉइंट पे m क्या है, y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो हम दो पॉइंट फॉर्मूला इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ये टू पॉइंट फॉर्मूला क्या है, देखो सेकेंड फॉर्मूला क्या है, टू पॉइंट फॉर्मूला, टू पॉइंट फॉर्मूला द्विबिंदु सूत्र। यह द्विबिंदु सूत्र क्या है, दो बिंदु दिए गए होंगे, एक पॉइंट को हमने कह दिया x1 y1, यहां पे मान लिया हमने x1 y1 और यहां पे हमने मान लिया x2 y2। तो मुझे बताओ इसी फॉर्मूले में क्या मैं n की जगह x2 minus y2 minus y1 upon x2 minus x1 लिख सकता हूं कि नहीं, तो बस वही फॉर्मूला है, केवल थोड़ा सा चेंज क्या हो गया, y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon में x2 minus x1 into x minus x1। क्या किया मैंने, यहां m लिखा था और यहां m की जगह वो फॉर्मूला लिख दिया जो स्लोप पढ़ाते समय मैंने आपको सबसे पहले बताया। मैंने यहां पे स्लोप का फॉर्मूला बताया, वही फॉर्मूला रख दिया, मतलब एक जगह आप चीजें क्लियर करते हैं, दूसरी जगह वो आपको यूजफुल हो जाती है। अब जो तीसरा फॉर्मूला है, हमें दो बिंदु दिए थे, जो तीसरा फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। आप कहोगे सर ये क्या चीज, चलो बताते हैं क्या होता है इंटरसेप्ट, ठीक है, हिंदी में कहते हैं अंतःखंड सूत्र। जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, मैं अंग्रेजी में जो भी शब्द लिखवा रहा हूं उसको जरूर नोट करते जाना, याद रखना, एयरफोर्स के भीतर आप जाएंगे तो आपकी सारी की सारी पढ़ाई किसमें होने वाली है, आपकी सारी की सारी पढ़ाई बेटे इंग्लिश में होने वाली है, जब इंग्लिश मीडियम में होने वाली है, और अभी आपको सब पहले से पता है तो वहां आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको वहां पे हो जाएगी दिक्कत। इसलिए यह जरूर करना है, अंग्रेजी के शब्द आपको जरूर नोट करते जाने। ये अंतःखंड होता क्या है, ये कोई मैंने क्वाड्रेंट बना दिया और यहां पे ये स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है। यहां से इसने जो लंबाई काटी है उसे मैंने कहा ए, किसकी लंबाई, अक्ष की, कौन से अक्ष की, एक्स एक्सिस की। यहां से जो लंबाई काटी है उसको मैंने कह दिया बी, कौन से एक्सिस पे काटी है, ये वाई एक्सिस पे काटी है, इसको मैंने कह दिया बी। तो x एक्सिस पे a लंबाई काटी और y एक्सिस पे b, तो इसका समीकरण क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ये 1 है, ठीक है। एक है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, हिंदी में लिखे x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई, और y b क्या है, y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई, b क्या है, y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, हिंदी में लिखेंगे
वाई अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन के तीन फॉर्मूले पढ़े, दो और बाकी हैं, दो नहीं बल्कि तीन बाकी हैं। कौन से हैं वो फॉर्मूले चलो देखते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं तो हम वहां चलेंगे। लेकिन पहले आपको कंसेप्चुअली एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट होगा, वरना नहीं। जो फोर्थ फॉर्मूला है उसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे प्रवणता अंतःखंड सूत्र। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रवणता अंतःखंड सूत्र। जब तक ये फॉर्मूले बिल्कुल क्लियरली याद नहीं है, जब तक ये दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं है, तब तक क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। कई जगह हमें एक से ज्यादा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसलिए हर फॉर्मूला हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हालांकि ये जब टॉपिक मैं कराता हूं तो याद रखना 70% से ज्यादा क्वेश्चन मैं सीधे सीधे ऑप्शन से करा देता हूं, तो आपको वो तरीका सीखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? आपको रेखा की प्रवणता भी पता होनी चाहिए, ठीक है? ये कोई रेखा है और इसकी प्रवणता क्या है? इसकी प्रवणता या स्लोप है बेटा m, ठीक है? और ये x y एक्सिस पे जो लंबाई है वो c काटता है, और x एक्सिस पे जो लंबाई है वो d काटता है। तो इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहां m क्या है? m स्लोप है, प्रवणता है, और c क्या है? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई है। लेकिन इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। ये d क्या है? डी एक्स अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई है। d क्या है? एक्स अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई। हो सकता है आपने इसको ना पढ़ा रखा हो पहले, बट ये एनसीईआरटी में दिया है। इसको प्रूव करना भी बहुत आसान काम है। आप क्या कर सकते हो, कई बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ये आ कहां से गया, चलो मैं आपको इसे निकाल के दिखा देता हूं ये आया कहां से। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पे यदि ये आपका डी दिया है, ये इंटरसेप्ट की लंबाई कितनी दी है? डी दी है, तो आपको क्या करना चाहिए इस जगह से? क्या आप कोऑर्डिनेट बता सकते हो? यहां पे कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? एक्स पे चलोगे डी और वाई पे चलोगे जीरो। क्या आपको इस रेखा की प्रवणता पता है, एम पता है, तो फॉर्मूला क्या होगा? वाई माइनस वाई वन, वाई वन क्या लोगे? जीरो, बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना हो जाएगा? डी। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका मैंने प्रूव करा दिया कि यदि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ दियो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वाई इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस डी। और अब चलेंगे सेकेंड लास्ट, मतलब पांचवें फॉर्मूले पे। किस पे चलेंगे? पांचवें फॉर्मूले पे चलेंगे। क्या है पांचवा फॉर्मूला? लेट अस सी। ये पांचवा फॉर्मूला क्या है? इसको फोन करके बोलना, भी 20 मिनट बाद बात करेंगे। तो यहां पे हमें पांचवें फॉर्मूले में क्या करना है कि इसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप, अभिलंब रूप। ये अभिलंब रूप क्या होता है? यदि हमें कोई रेखा दी गई है और ओरिजिन से, कहां से? मूल बिंदु से, मूल बिंदु से इस रेखा पर हम लंब डालें। क्या डालें? लंब, परपेंडिकुलर। और इस अभिलंब के द्वारा एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बनता हो, इसको कह दें हम ओ, इसको कह दें पी। तो ये लंबाई भी हमने क्या ले ली? स्मॉल पी ले ली। चलो मैं इसको क्यू लिख देता हूं। ये लंबाई ओ क्यू की लंबाई कितनी ले ली?
स्मॉल पी ले ली, ये एंगल कितना है अल्फा। तो जो किसी रेखा का नॉर्मल फॉर्म है वो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी होगा। और याद रखना पी लंबाई, पी क्या है लंबाई है, तो हर केस में आपको पी को कैसा लेना पड़ेगा बेटा, पी को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, धनात्मक लेना पड़ेगा, पी कभी भी नेगेटिव नहीं रखना है, ठीक है। अल्फा क्या है, अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल मेड बाय नॉर्मल टू लाइन विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। हिंदी में बात करें तो रेखा पर अभिलंब, रेखा पर अभिलंब द्वारा एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बना कोण, याद ये रखना है कि ये कोण जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए और लाइन नहीं बनाती है। कौन बनाता है, लाइन नहीं बनाती है बल्कि कौन बनाता है बेटा, नॉर्मल बनाता है, समझ गए। तो अब आ जाते हैं हम लास्ट फॉर्मेट पे, और लास्ट क्या है जनरल फॉर्म, जो छठा फॉर्मूला है उसको हम क्या कहते हैं जनरल फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं जनरल फॉर्म। तो लेट अस स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, और ये लास्ट फॉर्म है, इसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। जनरल फॉर्म या सामान्य सूत्र, ये सामान्य सूत्र क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो सामान्य सूत्र कहलाता है, ठीक है। यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, ये पॉइंट नोट कर लेना कि एफ लाइन इज, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से, पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन ए इक्वल्स टू जीरो, यदि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है तो ए बराबर क्या आएगा जीरो। आप कहेंगे क्यों, उसका कारण है कि यदि हम इसमें स्लोप निकालें, क्या निकालें इसकी स्लोप निकालें अलग से, तो स्लोप होता है बेटा माइनस ए बटे बी। स्लोप को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवणता, ये अलग से लिख लेना। इस रेखा की प्रवणता क्या होती है, माइनस ए अपॉन बी होती है, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ वाई, या हिंदी में कहें तो एक्स का गुणांक बटे में वाई का गुणांक। हाँ, माइनस लगा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना। यदि मैं इसकी एक्स एक्सिस के समानांतर है तो क्या करेंगे, एम को जीरो रख देंगे, टेन थीटा जीरो रख देंगे, तो आपका माइनस ए अपॉन बी जीरो रखोगे तो ए जीरो हो जाएगा। दूसरी बात, एफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, रेखा वाई अक्ष के समानांतर हो, रेखा वाई अक्ष के समांतर हो तो क्या करेंगे, तो बेटा जो y का मल्टीपल b उसको जीरो रखेंगे। क्यों, क्योंकि y अक्ष के समानांतर है, इसका मतलब थीटा कितना बना रही है 90 डिग्री, 90 का मतलब क्या है इनफाइनाइट, tan थीटा क्या आएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए जीरो। और तीसरी चीज, f लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन यदि रेखा मूल बिंदु से जाती है,
तो बेटा c इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब फटाफट इनमें याद रखने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, यदि x अक्ष के समानांतर है तो a 0, y अक्ष के समानांतर है तो b 0, और यदि मूल बिंदु से जाती है, ये जो भी कुछ भी मैं पढ़ूंगा उसमें याद रखना, जब भी c इक्वल टू 0 होगा, जब भी कांस्टेंट पार्ट 0 होगा, तो आपकी रेखा कहां से जाएगी, 0 0 से जाएगी। आगे क्वेश्चन करने से पहले एक बार वीडियो में रिपीट करके आपने जितने भी फॉर्मूले अब तक पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेना, और अब हम आगे क्वेश्चन करने की तैयारी में है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ थ्री कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन करने के लिए एक और चीज की जरूरत है, वो ये है कि आपको बेसिक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है और लंबाई में बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, यह समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी होगा और बी सी पैरेलल टू ए डी होगा। ये आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी तथा लंबाई में भी बराबर होंगी। साथ में ए बी बराबर किसके होगा, सी डी के, और बी सी बराबर किसके होगा, ए डी के। बी सी ए डी के पैरेलल है और बी सी बराबर किसके होगा, ए डी के। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम इसके डायगोनल्स मिलाते हैं तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। याद रखना ये जो m है, m इज मिड पॉइंट ऑफ किस किस का, मिड पॉइंट ऑफ एसी कॉमा बीडी। कहने का मतलब यदि हम विकर्ण एसी लेते हैं, क्या लेते हैं, विकर्ण एसी लेते हैं तो उसका मध्य बिंदु, और दूसरा विकर्ण बीडी लेते हैं उसका मध्य बिंदु कैसा होगा, बराबर होगा। यहां पे यदि ये दो बातें क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला चार पॉइंट जो है क्या है, -2 -1, ये पॉइंट क्या है 1 0, ये पॉइंट क्या है 4 3, चौथा पॉइंट आपसे पूछा है, आप चौथे पॉइंट को एक्स वाई मान सकते हैं। मुझे बताओ बी और डी का मध्य बिंदु ए और सी के मध्य बिंदु के बराबर मैंने बताया कि नहीं बताया, अभी बताया। तो बस मध्य बिंदु सूत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज एक्स प्लस 1/2 बराबर -2 + 4/2, जो कितना हो जाएगा 1, और इस तरीके से एक्स प्लस इसको आप काट दो तो एक्स प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा 2 के। मान लो आप इसको काट देते हैं तो ये x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा 2 के, और इस तरीके से आपका x कितना आएगा, x आएगा 1। अब यहां x 1 तीन जगह दिया गया है तो इससे तो बात बनेगी नहीं। अब आप y से भी निकालोगे, जब y से निकालोगे तो y प्लस 0/2 किसके बराबर होगा, -1 + 3/2। ये जो हम 2 काट रहे हैं वो बिना काटे भी बोल सकते हैं कि भाई इसका इसका एडिशन इसके इसके एडिशन के बराबर होगा, और यहां से आप सॉल्व करते हैं तो y कितना आ गया 2। तो आपके जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे 1, 2, और 1, 2 आपका कौन सा आंसर है, पहला ही क्वेश्चन, और उसका आंसर भी कौन सा है, फर्स्ट है। बहुत ही बेसिक सी चीज, आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी भुजाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं और लंबाई में भी बराबर होती हैं। साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो विकर्ण के मध्य बिंदु है वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जरा याद करो मैंने क्या बोला था कि आप इसे ऑप्शन से कर सकते हो, क्या ईमानदारी से इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मैं फटाफट मिड पॉइंट निकालूंगा, 4 - 2/2 कितना आएगा 1, 3 - 1/2 यहां भी क्या आएगा 1। तो जो भी मैं आंसर लूंगा उसका मध्य बिंदु 1 1 आना चाहिए,
और मैं सबसे पहले यदि 1 2 को उठा के चलता हूं, यदि मैं 1 2 लेता हूं तो 1 plus 1 by 2 भी 1 आएगा, 2 plus 0 by 2 भी 1 आएगा, और इसलिए पहले कोई चेक करते मैं आंसर लगा दूंगा, मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट ऑप्शन उठा के भी कर सकता हूं। हालांकि क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल है, चाहे आप ऑप्शन से करें चाहे आप, लेकिन अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट्स ए बी 0 माइनस ए माइनस बी ए बी बी स्क्वायर आर। अब ये हमें मालूम नहीं है कि क्या है ये चार पॉइंट, ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, एक आयत के शीर्ष बिंदु है, एक वर्ग के शीर्ष बिंदु है, और डी में दिया कोलिनियर। जब भी ऐसा कुछ दिया है, क्योंकि स्लोप से हम पता कर सकते हैं समानांतर है या नहीं है, परपेंडिकुलर है या नहीं है, कोलिनियर है या नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, स्लोप निकालना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, स्लोप। लेकिन जब भी वैल्यू न्यूमेरिकल ना होके ए बी में आ जाए, तो एक बड़ा बेहतरीन काम आप कर सकते हो, आप ए की कोई वैल्यू मान लो, मैंने ए मान लिया 1 और बी मान लिया 2, आप कुछ और भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा मत मानना जिससे पॉइंट सेम आ जाए। तो ये हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, यदि ए बराबर 1 बी बराबर 2 ले लें तो पहला पॉइंट 1 2, दूसरा पॉइंट 0 0, तीसरा पॉइंट -1 -2, और चौथा पॉइंट 2,4 हो गया। ठीक है, ये मैं चारों पॉइंट एक साथ लिख देता हूं, मुझे नहीं मालूम है कि ये समानांतर है या परपेंडिकुलर है, कुछ कहना मुश्किल है। तो अब हम यहां से निकालेंगे, ये 1 2, ये क्या है 0 0, ये क्या है -1 -2, और ये क्या है 2 4। आप कहेंगे सर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से सही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल स्लोप निकाल के देखना है, ये ए बी सी डी, ए बी की स्लोप बताओ, ए बी की प्रवणता बताओ कितनी आएगी, ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता हो जाएगी 0 -2 / 0 -1 2 हो जाएगी। अच्छा जरा बी सी की प्रवणता निकालो, जब बी सी की प्रवणता निकालोगे तो ये क्या आएगा -2 -0 -1 -0, इनकी तो प्रवणता बराबर आ गई। अब जरा सी डी की प्रवणता निकालो, ऐसे ही सी डी की जब प्रवणता निकालोगे, सी डी ये हो जाएगा -2 -4, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, यदि आप सी डी की प्रवणता निकालेंगे तो सी डी की प्रवणता कितनी आ जाएगी -2 -4 -1 -2 -6/-3, ये भी 2 आ गई, ये तो तीनों प्रवणताएं बराबर आ गई, ये तीनों प्रवणताएं बराबर आ गई, तो तीन रेखाएं तो पैरेलल हो नहीं सकती। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी बी सी और सी डी ये एक साथ है, ए बी बी सी सी डी, इसका मतलब ये कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए। क्यों कोलिनियर हो गए, क्योंकि तीनों रेखाएं जो हमने ली है, डीए का भी निकालोगे तो डीए की स्लोप भी वही आएगी, और इसलिए आप कहेंगे कि आपका आंसर क्या हो गया, संरेख हो गया। यदि आप इस क्वेश्चन को ए बी लेके करते हैं तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, और यही चीज मैं सिखाता हूं, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए, अपने क्वेश्चन को कैसा बना सकते हैं, आप आसान बना सकते हैं। तो हमने दो क्वेश्चन किए हैं, दोनों में हमने एक में किसका इस्तेमाल किया, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज किया, डिस्टेंस का तो हमने किया नहीं, मिड पॉइंट से हमारा काम चल गया, और इसमें हमने किसका यूज किया, प्रवणता सूत्र का इस्तेमाल किया, स्लोप का यूज किया। ये क्वेश्चन देखो, ये सीधा सीधा इन्होंने समांतर चतुर्भुज पर दिया है, इन्होंने क्या किया, कंसीडर ए पैरेललोग्राम हूज वर्टिसेस आर, बना देते हैं भाई पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हमने बना दिया, और इसके वर्टेक्स दिए ए 1 2, बी 4 बाई, सी एट 6, डी 3 5, और इन्होंने क्या पूछा है, ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये ए सी
और ये BD। तो मेरे भाई AC BD तो तब निकाल सकते हो ना जब आपको X और Y पता हो। क्या हम X Y निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा सोचो। यहां से मिड पॉइंट निकालूंगा तो जो मिड पॉइंट आएगा और यहां से जो मिड पॉइंट निकालूंगा वो सेम होना चाहिए। ये बात मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम M के कोऑर्डिनेट लें तो M के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2 और ये कोऑर्डिनेट किसके बराबर होने चाहिए? 3 प्लस 4 अपॉन 2 एंड y प्लस 5 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट बराबर है तो ये 2 का कोई मतलब नहीं। जरा देखो x प्लस 1 को 3 प्लस 4 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब x प्लस 1 7 के बराबर है तो x कितना हो जाएगा? 6। और ऐसे ही इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, मतलब y प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा? 8। आप कहोगे गुरुजी इसके नीचे तो 2 रखा था, इतना अंडरस्टूड है कि दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे ही आपको x और y की वैल्यू पता चली, मैं इस y की जगह क्या लिख दूंगा बेटा? y बराबर 3 आ चुका है तो y की जगह 3 लिख दूंगा और x की जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब हम ac स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर निकाल सकते हैं कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। ac स्क्वायर क्या होगा? हम डायरेक्ट क्योंकि अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर, प्लस में आता है 16 और 25 कितना हो गया? 41 हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? bd स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा? AC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर जो कितना हो जाएगा? 41 माइनस 5 दैट इज 36। आपका आंसर कौन सा हो गया? सी आपका आंसर हो गया, 36 आपका आंसर है। तो हमने बेसिक कंसेप्ट को यूज किया और वो बेसिक कंसेप्ट क्या है? वो बेसिक कंसेप्ट ये है कि भाई साहब मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए, आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि भाई डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो दोनों का कैसा होता है? सेम होता है। ये एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं वो एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस के साथ आया था। जो अगला इन्होंने बोला विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 बटे 2, 5 प्लस 3 बटे 2 है ना? 4 प्लस 3 बटे 2 और 5 प्लस 3 बटे 2 तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 बटे 2 और 5 प्लस 3 बटे 2 आपका मिड पॉइंट हो गया 7 बटे 2 कोमा 4। हलवा क्वेश्चन है और ये कोई मैंने ये नहीं कि केवल एयरफोर्स के लेवल से दे दिया, ये एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है। आप डेफिनेटली एनडीए के क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं जिस लेवल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो लक्ष्य केवल एयरफोर्स नहीं होना चाहिए, एयरफोर्स के साथ आप एनडीए नेवी सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? नंबर 5 पे इन्होंने बोला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब अब हमें ट्रायंगल का एरिया भी निकालना होगा। मैं फटाफट आपके सामने दोबारा वो फिगर बनाए देता हूं जिससे आप बड़े आराम से एरिया निकाल सके। ठीक है, ये फिगर है और आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है? आपके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 4 3, ये 1 2, ये 4 3, बाकी दो कोऑर्डिनेट क्या है? 6 6 और 3 5। बाकी दो कोऑर्डिनेट क्या है? 6 6 और 3 5। आप कहोगे सर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना आपने नहीं सिखाया। हाँ नहीं सिखाया, जितना मैंने सिखाया वही सफिशियंट है। मैंने ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया है। तो बस आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया, इस पैरेललोग्राम में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 2। दोनों का एरिया बराबर होता है, ये पैरेललोग्राम की खासियत है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है
वो क्या करता है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है या दो बराबर भागों में बांटता है, तो मुझे बताना। यदि मैं एबीसी का एरिया निकाल के डबल कर सकता हूं कि नहीं, मतलब एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और ट्रायंगल एबीसी का एरिया मैंने निकालना बताया, क्या निकालना बताया, हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। और मैंने साथ में कहा था कि मॉडुलस लगाते हैं, क्यों मॉडुलस लगाते हैं, क्योंकि जो आपका एरिया है वो एरिया बेटे धनात्मक होता है। तो बस अब हम इसको सीधा सीधा दो का गुणा कर देंगे, आपको क्या करना है, दो का गुणा करना है, तो दो का गुणा मैं कर दूंगा, तो ये दो तो यहां कट जाएगा। अब आप रख देंगे वैल्यूज, एक्स वन, एक्स वन कितना है वन, वाई टू कितना है थ्री और थ्री माइनस सिक्स, एक्स टू कितना है फोर, वाई थ्री माइनस वाई वन दैट इज सिक्स माइनस टू प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री कितना है सिक्स, वाई वन माइनस वाई टू दैट इज टू माइनस थ्री। फिर से देखो मैंने क्या किया, मैंने टू से टू काट दिया था क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, वो पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा, डबल आएगा। तो डबल कैसे होगा वो मैं आपको समझा चुका हूं, किससे बताया था, जो विकर्ण है, जो विकर्ण है वो पैरेललोग्राम को दो बराबर के हिस्सों में बांटता है। और बराबर हिस्सों में बांटता मतलब एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के मैं डबल कर देता हूं तो मुझे पूरे का एरिया मिल जाएगा, x1 y2 माइनस y3, y2 कितना है 3 y3 कितना है 6 प्लस x2, x2 कितना है 4 y3 माइनस y1 6 माइनस 2 और फिर हमने लिया x3 y1 माइनस y2। सॉल्व कर दो, 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, मैं इसको इधर सॉल्व करके लिख देता हूं, 3 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 3, 6 माइनस 2 4, 4 4 करोगे तो 16। याद रखना ये कैसा है, माइनस में है और 6 इंटू टू माइनस थ्री ये माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस 9 और इस तरीके से आपका आंसर कितना आ जाएगा 7। तो आपके क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो गया 7। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा, सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, दो और क्लास लगेंगे आपके स्ट्रेट लाइन में, लेकिन समझ में तभी आएंगे जब आपने इस वीडियो को देख रखा है। ये मेरा 15th क्लास है, 15वां क्लास है जिसमें मैं आपके लिए चीजें कवर कर रहा हूं, तो पढ़ते रहिए, फिर मुलाकात होगी, आज के लिए इतना ही है। यदि आप डिफेंस गुरुजी चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में विकास तिवारी सर को ढूंढना ना भूलें। याद रहे मैं वो पर्सन हूं जहां आप जाना चाहते हो वहां से रिटायर हुआ हूं, मेरा नाम विकास तिवारी है और इंडियन एयरफोर्स से मैं रिटायर्ड हूं। एक्स ग्रुप के थ्रू 1991 में मैंने भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया था और 2010 में वहां से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली थी। मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर भी सिलेक्टेड रहा हूं और ये सब बताने का एक ही कारण है कि आप सब एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आप करना चाहते हो वो मैं कर चुका हूं और डेफिनेटली मैं आपको उस काबिल बना सकता हूं। पढ़ते रहिए, गेट सिलेक्टेड। आज के लिए इतना ही है, जय हिंद।